टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो देखते हैं ये मैट्रिसेस है क्या। इसका सिंगुलर फॉर्म जो है वो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म वो मैट्रिसेस है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, एनसीईआरटी ने इसका डेफिनेशन बताया है, बहुत ही सिंपल है। ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे, एरे के मीनिंग जो होते हैं अरेंजमेंट होते हैं ऑफ नंबर्स और फंक्शन, यानी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर रहे हैं हम नंबर्स को और फंक्शन को। इसको एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए और उसके एलिमेंट्स है 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसके अंदर जो है हॉरिजेंटल जो होते हैं वो रो होते हैं। अब यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये रो है, ये हॉरिजेंटल को हम रो कहते हैं। क्या है हमारे पास? हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल हमारे पास क्या होते हैं? रोज होते हैं। और जो वर्टिकल है 2, 4, 6, 3, 5, 7 ये वर्टिकल है, इसे हम कॉलम कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्टिकल। वर्टिकल हमारे पास क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स। अब ये मैट्रिक्स के अंदर कितने रो है? ये एक रो है, इसे R1 बोलो आप, ये एक रो है इसे R2 बोलो, और ये एक रो है इसे R3 बोलो। और कॉलम कितने हैं अपने पास? 2 कॉलम है। ये एक अपने पास कॉलम है C1 बोलो, और ये अपने पास एक कॉलम है इसको C2 बोलो। और इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे 2 यहाँ पे एक एलिमेंट्स है, 3 है, 4 है, 5 है, इन्हें एलिमेंट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। और इन्हें एंट्रीज भी कहा जाता है, इन्हें एंट्रीज भी कहा जाता है। नंबर्स और फंक्शन, मैट्रिक्स फंक्शन का भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है साइन थीटा 0, 1, cos थीटा, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये इसके अंदर यानी नंबर्स भी आ सकते हैं या फंक्शन भी आ सकते हैं। तो हॉरिजेंटल हमारे रो होते हैं, वर्टिकल हमारे कॉलम होते हैं। ये एक मैट्रिक्स का एक सिंपल एग्जाम्पल है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज को m बोल रहे हैं हम और नंबर ऑफ कॉलम को हम n बोल रहे हैं। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स में लिखते हैं कहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ a और उसके एलिमेंट्स है 2, 4, 1, 7। इसके अंदर टोटल कितने रोज है? इसके अंदर ये R1 हमारा रो 1 है और ये R2 हमारा रो 2 है। और कॉलम कितने हैं? ये एक हमारे पास कॉलम C1 है और ये एक हमारे पास कॉलम C है, यानी 2 रो है 2 कॉलम है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। रो को m बोल रहे हैं हम और कॉलम को n बोल रहे हैं हम। इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है इसके अंदर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है यहाँ पे जो है राइट में बॉटम में जो है लिखा जाता है। यहाँ पे फर्स्ट जो होता है ये जो है रो होता है m है, और सेकंड जो होता है ये कॉलम होता है n है। तो सिंपल हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। और एक मैट्रिक्स के अंदर कितने अगर एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम m इनटू n। कितने रो है इसके अंदर? 2 इनटू कॉलम कितने हैं? 2 है, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4 हो गया। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है? 4 एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। जनरली मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते कि R1 यहाँ पे लिख रहे हैं, R2 यहाँ पे, और C1 यहाँ पे, C2 यहाँ पे, ऐसे नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एक हमारे पास जो है मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है। बस खत्म, इतना ही। ये R1 या R2 मैं जस्ट जो है यानी अपने को मालूम होना इसके लिए मैं बताया ये। अब देखते हैं इसका एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, यानी अब ये मैट्रिक्स है ये कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में है। अब ये 7 है, ये कौन से रो में आता, कौन से कॉलम में आता, यानी इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स का एड्रेस क्या है। जैसे हमारा घर है, हमारे घर का एड्रेस रहता है कि हाउस नंबर हमारा ये है, मोहल्ला नंबर हमारा ये है। तो अब एलिमेंट्स जो होते हैं उनका एड्रेस क्या है, यानी एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेशन देखना है अपने को। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक मैं मैट्रिक्स लिया ए और उसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसका ऑर्डर क्या है? अभी हम देखिए नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम ऑर्डर होते हैं। कितने रो है इसके अंदर? ये एक रो हो गया, ये एक रो हो गया, R1, R2, 2 रो है इसके अंदर। कॉलम कितने हैं? ये एक कॉलम है यहाँ पे C1, ये एक कॉलम है यहाँ पे C2, और ये एक कॉलम है यहाँ पे C3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहाँ पे लिखते? राइट साइड में बॉटम में लिखते, पहले रो लिखते बाद में कॉलम लिखते। कितने रो है? 2 रो है, इनटू कॉलम कितने हैं? 3 कॉलम है, इनटू 3 कॉलम।
यानी यहाँ पे टू रो है थ्री कॉलम में, तो टू रो थ्री कॉलम का जनरल मैट्रिक्स देखते हैं हम सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए लिखा, इसका टू इंटू थ्री का जो है जनरल मैट्रिक्स देखना है अपने को। मैं पूछा ये टू कहाँ पे है, कौन से रो में आता, कौन से कॉलम में आता, तो हम देखिए टू जो है फर्स्ट रो में आ रहा और सेकेंड कॉलम में आ रहा। तो हम इसको पूरे जितने भी एलिमेंट्स है ये, इस एलिमेंट्स का जो है टू इंटू थ्री जो ऑर्डर मैट्रिक्स है ये, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। वन कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे ए लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। टू कहाँ पे है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे। थ्री कहाँ पे है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे है। अब फोर कहाँ पे है, फोर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में है। ए है यहाँ पे, ए हमारा कोई एलिमेंट्स है, नंबर या फंक्शन है। ए हमारा यहाँ पे, फोर कहाँ पे है हमारा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। फाइव कहाँ पे है, ए टू टू, सेकंड रो है सेकंड कॉलम है। और सिक्स कहाँ है हमारा, सेकंड रो थर्ड कॉलम पे हमारा है। ये जो है टू इंटू थ्री जो मैट्रिक्स था उसका जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम देखते हैं कि m रोज है, n कॉलम है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होते हैं वो देखते हैं। तो देखते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स का, m रो है, n कॉलम है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट ए बी ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लिया मैं विथ m रोज एंड n कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स है, m रो है, n कॉलम है, उसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखना है मेरे को। ए मैट्रिक्स है ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू ए वन थ्री, ऐसा कहाँ तक जाएगा, फर्स्ट रो nth कॉलम जाएगा। फिर यहाँ पे ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा कहाँ तक जाएगा, सेकेंड रो nth कॉलम तक जाएगा। ऐसे ही अगर नीचे देखा मैं तो यहाँ पे फर्स्ट m रो नीचे जो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, m रो तक जाएगा, m रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे ही ये क्या होगा, m रो सेकंड कॉलम, ऐसे ही m रो थर्ड कॉलम, लास्ट में ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इधर से ऐसे देखिए तो m रो, और ऐसे अगर देखिए तो n कॉलम तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा, यहाँ पे एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो jth कॉलम, यहाँ से मैं यहाँ पे कॉलम लिया, मैं जे कॉलम लिया, और यहाँ पे क्या करा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम था, यहाँ पे कॉलम में क्या करा मैं, रो में क्या करा मैं, आई रो फर्स्ट कॉलम, एक यहाँ पे आई रो फर्स्ट कॉलम लिया मैं, यहाँ पे ये जे का कॉलम लिया, यहाँ पे यहाँ ए का, यहाँ पे आई का कॉलम लिया। आई जो है हमारा रो बता रहा और जे हमारा कॉलम बता रहा। एम रो एन कॉलम का जनरल रिप्रेजेंटेशन है इसका। इसका और एक ऐसे भी इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और एक मैट्रिक्स ए है हमारा, इसी को मैं और एक मेथड से रिप्रेजेंट करके बता रहा हूँ मैं। मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है हमारा, ए आई जे एम रो है इंटू एन कॉलम है, ये और ये दोनों जो है इक्वल है हमारा। यहाँ पे आई क्या है, रो है, और जे हमारा, आई हमारा एम रो है, जे हमारा एंथ कॉलम है, और आई क्या होना है, यहाँ पे कंडीशन है आई वन या वन से ग्रेटर देन, और जो है एम या एम से लेस देन रहना है। आई क्योंकि रो है हमारा, और जे क्या है, यहाँ पे जे जो है वन या वन से ग्रेटर देन रहना है, और एन या एन से लेस देन रहना है हमारा यहाँ पे। तो हम ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए आई जे है एम इंटू एन, ये और ये दोनों जो है इक्वल होते हैं। आज हम मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देखिए, उसका डेफिनेशन देखिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए, थोड़ा रिकैप करते हैं क्या देखिए। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ ए, और उसके एलिमेंट्स है 1, 3, 5, 7, इसके अंदर कितने रो है अभी हम देखिए। जो हॉरिजेंटल जो होते हैं ये रो होते हैं, ये आर वन है, ये हमारा आर टू है, और कॉलम कितने हैं, जो वर्टिकल होते हैं वो कॉलम होते हैं, ये सी वन है और ये हमारा ये सी टू है। और मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं नंबर्स और फंक्शन, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें, या इंट्रीज भी कहा जाता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को कहाँ पे लिखते हैं, मैट्रिक्स के राइट साइड बॉटम में लिखते हैं, सबसे पहले रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। कितने रो है इसके अंदर, टू, इनटू कॉलम कितने हैं इसके अंदर, टू है। एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स या इंट्रीज है, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज हमारे पास टू है, इंटू नंबर ऑफ कॉलम टू है, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, फोर है। इस मैट्रिक्स में फोर एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4। फिर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए, हम मैट्रिक्स का एड्रेस देखिए, एलिमेंट्स का एड्रेस देखिए हम। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको पूछा A21 में इस मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट्स है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे, 5 आ गया। फिर मैं अगर आपको पूछा A2
थ्री, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट्स है यहाँ पे, सेकेंड रो ये है बट थर्ड कॉलम यहाँ पे नहीं है, तो एलिमेंट्स यहाँ पे डज नॉट, एलिमेंट्स यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। फिर हम इसका क्या देखिए, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखिए, बहुत ही सिंपल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आज के लिए इतना ही।